वो था हमारा डाइसेक्शन हॉल का पहला एक्सपीरियंस जब कैडेवर्स आए थे। उस टाइम पर हमारे को दो कैडेवर दिए गए थे पूरे बैच को, एक मेल था एक फीमेल थी। वो कैडेवर जब आए लिटरली बच्चे मतलब कांप उठे थे। काफी टाइम तक बॉडी फॉर्मेलिन में रहने की वजह से थोड़ी सी ऐसी लगने लगती लाइक ये लिविंग थे किसी टाइम पे, तो वो तुम्हें फील नहीं होगा। होते वो लिविंग थे एक टाइम पे, वो लोग जिंदा थे, बट जब तुम उन्हें डाइसेक्शन हॉल में देखोगे फर्स्ट टाइम तुम्हें अजीब लगेगा, उसके बाद तुम्हारे लिए वो नॉर्मल ऑब्जेक्ट हो जाएगा। मैं यहाँ पे रिस्पेक्ट करता हूँ बहुत ज्यादा कैडेवर्स की, बट हाँ हमें ऐसे ही सोचना पड़ता है। वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा जो कि तुम्हारे को सिखाएगा, जिनको तुम डाइसेक्ट करके सीखोगे, अंदर के ऑर्गन्स को जानोगे। फर्स्ट ईयर का डाइसेक्शन हॉल का एक्सपीरियंस तो नेक्स्ट लेवल ही होता है, जब हम एक्चुअली में बॉडी के अंदर के जो चीजें हैं वो देख रहे होते हैं। तो सबसे पहले पढ़ाया जाता है ब्रेकियल प्लेक्सस, जो कि इधर अपर लिम का पार्ट होता है। उस ब्रेकियल प्लेक्सस में हमें एक एक नर्व पढ़ाई जाती है जो यहाँ से गो थ्रू होती है, और वो एक एक नर्व का मतलब किस तरीके से वो अरेंज्ड है वो पूरा पढ़ाया जाता है, जो कि बहुत ज्यादा पढ़ने वाला याद करने वाला भी होता है और फैसिनेटिंग भी होता है।